हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जीके क्वेश्चंस की, जो कि रेलवे एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको ये समझने में कि कैसी क्वेश्चंस आ सकती हैं आपके एग्जाम्स में आने वाले, रेलवे ग्रुप डी असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन के एग्जाम्स में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस आज के क्वेश्चन रिविजन को, और इसमें हम देखेंगे पूछे गए क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पार्ट वन है। ऐसी बहुत सारी पार्ट्स आएंगी एक एक दो दो दिनों पर। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो हम देख सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए, खुल चुका है पेज। फर्स्ट क्वेश्चन था, किस देश ने 4 जनवरी को अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाई। कहने का मतलब है, हर वर्ष 4 जनवरी को कौन अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाता है, कौन सा देश है। तो उसका उत्तर होगा म्यांमार। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से कौन सी डिजीज होती है। देखिए, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में यूज करता जाऊंगा, क्वेश्चंस भी मिक्स रहेंगे, आपको उस घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं समझाता चलूंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में। विटामिन ए किसके कमी से होता है या किस उसकी डिजीज होती है उस कमी से, तो उसे नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं रतौंधी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है कि पोलियो टीकाकरण की खोज की गई थी, ठीक है, वो किसने किया था, उनका नाम बताना है आपको। तो उनका नाम होगा जोनास सॉल्क, ठीक है, या इंग्लिश में भी आपका नाम वहाँ पर लिखा हुआ है, जोनास सॉल्क। ठीक है, ये पोलियो की बात हो रही थी। उसके बाद चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, लेटेस्ट यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 2017 की बात है, वहाँ कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो वो पेरिस में हुआ था। पाँचवा क्वेश्चन आपको ऐसा हो सकता है, ये 2015-16 पूछा गया था लेकिन मैंने यहाँ चेंज किया है क्योंकि ये आपको अभी करेंट के बारे में जानना होगा। 2018 विंटर ओलंपिक्स कहाँ पर होने वाला है, तो ये प्योंगचांग में होने वाला है जो कि साउथ कोरिया में है। ध्यान देंगे दोस्तों नाम, ये साउथ कोरिया में है, कंफ्यूज नहीं करेंगे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में, प्योंगचांग जगह का नाम है। छठा, इसमें से आपको ऑड खोजना है, जैसे कि आपको यहाँ 4 नाम दिए गए थे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल, तो इसमें ऑड क्या होगा दोस्तों, तो ऑब्वियस है सर्कल होगा। पूछिए क्यों, तो ऑब्वियस है ना यार, कि देखिए स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो चाहे ट्राइंगल हो, सब में स्ट्रेट लाइन यूज हुए हैं, ठीक है, इन सब को स्ट्रेट लाइन को जोड़ करके बनाया गया, लेकिन बात कर ले सर्कल में तो कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, ऑड वन आउट पूछी जा रही है यहाँ पर आपको, प्रिंटर, स्पीकर, डिजिटल कैमरा या स्मार्टफोन। तो ध्यान से देखें आप दोस्तों, तो यहाँ पर आपको स्पीकर, डिजिटल कैमरा, स्मार्टफोन, ये सारे डिवाइसेज हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली, बट प्रिंटर क्या है, ये एक आउटपुट डिवाइस है, और आउटपुट डिवाइस के साथ साथ इसे हम एज ए डिजिटल यूज़ या एज ए डेली लाइफ में हम लोग यूज़ एज ए होम डिवाइस यूज़ नहीं करते हैं, ये एक आप इसमें लॉजिक लगा सकते हो, बाकी आप जैसे भी लगाना चाहो ऑड वन प्रिंटर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, हु हैज़ वन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑस्कर प्राइजेस, मतलब किसने सबसे ज़्यादा बार इंडिविजुअल ऑस्कर प्राइज जीता है, तो वो है वॉल्ट डिज्नी, ठीक है, इनके नाम पर डिज्नी जो कार्टून्स वगैरह आती हैं इन्हीं के नाम पर है, तो ये ध्यान से आप देखेंगे वॉल्ट डिज्नी। 9वां प्रश्न जो है ये पूछ रहा है आपको कि किस साल में रविन्द्रनाथ टैगोर ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था और ये फिर से आ सकता है, आप देख लें 1913। वहीं बात करें 10वीं प्रश्न की, तो अजंता एलोरा गुफा कहाँ स्थित है, उसका उत्तर होगा दोस्तों महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में अजंता एलोरा गुफा स्थित है। और हाँ दोस्तों, मैं बता दूं कि रेलवे की इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह की वीडियो मेरी बनाई हुई है, बहुत अच्छी बुक्स इंपॉर्टेंट जो भी थी मैंने छांट करके रखी है बताई है, तो इसकी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप प्लीज़ देख लेना। 11th नंबर क्वेश्चन, इथेनॉल जो होता है, ठीक है, C2H5OH इथेनॉल, वो किस चीज़ से बनता है, तो वो होगा ईस्ट, ठीक है, YEST ईस्ट, जो कि शुगर या कार्बोहाइड्रेट के हेल्प से बनता है, जो कि ईस्ट उसे यूज करके कन्वर्ट करती है इथेनॉल में कार्बोहाइड्रेट को। 12th नंबर क्वेश्चन, इसमें से पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटी, कितने फंडामेंटल ड्यूटीज लिखे गए हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो 11 हो जाएगा इसका उत्तर, जो ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। मैं फिर से बता दूं, इसमें से पूछा जा रहा है कौन से पहले स्पीकर थे लोकसभा के, तो ये थे GS मावलंकार, ध्यान देंगे GS मावलंकार जी थे क्या पहले स्पीकर लोकसभा के। कैपिटल ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क का कैपिटल पूछा जा रहा है जो कि कोपेंगन है, ठीक है, कोपेंगन है, आप प्रोनाउंसिएशन में ध्यान देंगे, स्पेलिंग लिखा हुआ है COPENHAGEN, ठीक है। अगला प्रश्न था, पहला डॉग, फर्स्ट डॉग जो स्पेस पर गया था उसका क्या नाम था, लाइका, क्या नाम था, लाइका, LAIKA लाइका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैनीमेड इज द मून इन विच प्लैनेट, गैनीमेड एक नाम है,
ठीक है, चंद्रमा का, वो किस प्लेनेट का चंद्रमा है या किस प्लेनेट का मून है, तो उसका उत्तर होगा जुपिटर। 17वां क्वेश्चन है, ओबिसिटी मोटापा किसके द्वारा मेजर किया जाता है, तो BMI। अब BMI क्या है दोस्तों, तो BMI है बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स, ठीक है, इसे मोटापा मापा जाता है, या इसके इंडेक्स है, मतलब जिसमें कि आपको कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ कैलकुलेशंस किए जाते हैं जिसके आधार पर बताया जाता है कि आप मोटे हैं यानी ओबेसिटी है कि नहीं। 18वां प्रश्न है, हेडक्वार्टर्स ऑफ रियूटर्स न्यूज़पेपर इज लोकेटेड इन लंदन, ठीक है, रियूटर्स न्यूज़पेपर एक लोकप्रिय न्यूज़पेपर है इंटरनेशनल, उसका कहाँ पर हेडक्वार्टर्स है, तो लंदन में। अगला क्वेश्चन है, PSLV का फुल फॉर्म, हमेशा आप PSLV नाम सुनते होंगे, PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, पी से पोलर, एस से सैटेलाइट, वी एल से लॉन्च एंड वी से व्हीकल, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 20नंबर क्वेश्चन, 2017 के मेन्स सिंगल फ्रेंच ओपन में किसने जीता था, ठीक है, फ्रेंच सिंगल, ठीक है, मेन्स का 2017 में जो हुआ था उसे किसने जीता था, तो उसे जीता था राफेल नडाल ने, और इनका ये लगातार 10वां था, ठीक है, 10वां जीत थी किनकी, राफेल नडाल की। टाइटल, मृणालिनी साराभाई किस चीज़ से एसोसिएटेड है, ये नाम बहुत जाना माना नाम है, मृणालिनी साराभाई, ये डांस के जगत से ताल्लुक रखते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, देश नहीं पूछा जा रहा है आपसे, कॉन्टिनेंट पूछा जा रहा है, इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने बनाया था कोणार्क टेम्पल, तो इसका उत्तर होगा नरसिंह देव, ठीक है, नरसिंह देवा पढ़ लीजिए आप या नरसिंह देव पढ़ लीजिए, नरसिंह देव होगा इसका उत्तर, जो इन्होंने कोणार्क टेम्पल बनाया था। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे, योगा डे कब मनाया जाता है, तो ये 21 जून को मनाया जाता है हर वर्ष। अगला प्रश्न है, मार्स गैस किसे कहते हैं, तो मीथेन को ही मार्स गैस कहते हैं, मीथेन मतलब CH4, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात है तो CH4, और साइंस की वीडियोज़ में लाऊंगा। स्टडी ऑफ बर्ड किसे कहते हैं, 26वां नंबर प्रश्न ये पूछा गया था, बर्ड्स मतलब चिड़िया की पढ़ाई को क्या कहते हैं, तो ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, देखिए लॉजी हो गया पढ़ाई को, किसी भी चीज़ की पढ़ाई को लॉजी कहेंगे, ऑर्निथ वर्ड आता है चिड़िया से मतलब बर्ड से, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया ऑर्निथोलॉजी। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक प्रेस बटन पर प्रेस करें, और अपने फ्रेंड के साथ प्लीज़ 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 शेयर करें, अगर 1% भी अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो, और मेरे फेसबुक ट्विटर वगैरह वगैरह इंस्टाग्राम सबसे जुड़ने के लिए नीचे लिंक दिया हुआ है, आप जुड़ सकते हैं, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।